आज नगड़ी में देखिए 200 एकड़ जमीन छीना रहा है, सरकार चुप है। यहाँ ना भाजपा सही है, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, सभी लोग वहाँ पर मिलजुल के वहाँ पर जमीन का खेला कर रहे हैं। और हम समाज को बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है अगर और 5 साल रही तो हमें पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगी। सिर्फ आदिवासियों को वोट पोलाइजेशन के लिए छला जाता है, इसकी जमीन छीनी जाती है, कभी इनका धर्म छीनी जाती है। हाँ, रोड में नहीं उतरेगा, अपना बात नहीं रखेगा, उतना भी अधिकार नहीं है क्या? अपना बात रख रहे, किसी को मारने पीटने करने तो नहीं गए, वो तो क्रिमिनल नहीं थे। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर रांची के मोराबादी मैदान के समीप बापू वाटिका के समक्ष रखा गया है। आप देखिए कि आदिवासियों की जमीन लूट एवं आदिवासियों के सार्वजनिक अधिकार लागू करने सहित 12 सूत्री मांग को लेकर बापू वाटिका के पास जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि धरना दिया गया है। प्रेम साही मुंडा जो है प्रदेश अध्यक्ष है और कार्यकारी अध्यक्ष अजय कच्छप है, कुंद्रेसी मुंडा है अध्यक्ष महिला मोर्चा के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, किस लिए आप लोग यहाँ पर आज बैठे हैं? मांगे तो पुरानी ही लग रही है, लेकिन आखिर क्यों नहीं किसी के कानों में आवाज़ आप लोगों की जा रही है, और अगर नहीं भी जाती है तो आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? देखिए, आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे पुरानी जरूर है, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो मांगते रहेंगे हम लोग। और मांगेंगे किससे जो सत्ता में है, और सत्ता से ही सवाल किया जाता है और जवाब भी मांगा जाता है। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग जमीन लूट को लेकर और हमारी धार्मिक व्यवस्था जो व्यवस्था के तहत जो जितनी भी ज़मीनें हैं परंपरागत व्यवस्था के तहत जो भूहरी पहनई डाली कतारी जितने भी व्यवस्था की ज़मीनें हैं उनको संरक्षित करने के लिए, और जो रहती ज़मीन है गैर मजरुआ ज़मीन जो गांव की ज़मीन होती है ग्राम सभा के तहत उसको सशक्त बनाने के लिए आज हम लोग यहां पर बैठे हैं। आप लोग देखते होंगे कि यहां पर कलकत्ता से डीट तैयार होकर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या अंचल नहीं है, यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, कागजों का खेल है, बिल्कुल फर्जी कागजों का खेल है। खतियान हमारा, पेपर्स हमारे, रसीद भी हमारे कट रहे हैं, उसके बावजूद देखेंगे यहाँ पर गैर आदिवासियों द्वारा यहाँ फर्जी पेपर बनाकर दावा किया जाता है, और जबरन इतना खेल चल रहा है जमीन का, लेकिन सरकार आँख बंद किए हुए चुप बैठी हुई है। हम लोग डेली देखते हैं, आज नगड़ी में देखिए 200 एकड़ जमीन छीना रहा है, सरकार चुप है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ के विधायक तक चुप है, विधायक नवीन जसवाल बीजेपी के, वो भी चुप है, उनके नाक के नीचे जमीन लुटा रहा है। ग्रामीण जो है त्राही त्राही कर रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे हैं, कोर्ट तक लड़ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बच रहा है। ये कौन भाजपा वाले कर रहे हैं, कांग्रेस जेएमएम कौन कर रहा है? सारे लोग मिली भगत है, सबको संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ ना भाजपा सही है, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, सभी लोग वहाँ पर मिलजुल के वहाँ पर जमीन का खेला कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी सरकार को कि उन्होंने जो 4 गुना जो कोर्ट फीस बढ़ाया है वो किसके लिए बढ़ाया, ताकि आदिवासी वहाँ पर जमीन वापसी का केस लड़ने ना पाए, इसलिए उन्होंने बढ़ाया। मतलब सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त है हमारी जमीनों को लूटने के लिए। और हम समाज को बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है अगर और 5 साल रही तो हमें पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगी। क्या भारत आदिवासी पार्टी कैसे देखती है? हम लोग आज आप लोग पुतला भी जला रहे हैं, क्या आगे? पुतला हम लोग जला रहे हैं देवड़ी दिरी में, तमाड़ जो क्षेत्र है देवड़ी दिरी में, जो हमारा धार्मिक स्थल पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी जब अपने हक अधिकार की बात करने निकलते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिए जाते हैं और उनको तुरंत अरेस्टिंग कर लिया जाता है। आप देखेंगे कि STIC थाना में हम लोग कई हजारों केस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हीं का अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन हमारे आदिवासी जब कुछ करने निकलते हैं उनके ऊपर FIR होता है, तुरंत अरेस्टिंग हो जाता है। तो सरकार हमारा है कि दूसरों का, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम लोग आज देखिए कि सांसद जो है कालीचरण मुंडा कांग्रेस के हैं, चुप बैठे हुए हैं, जबकि ट्रस्ट में उनका भी नाम है, देवरी देवी के ट्रस्ट में उनका भी नाम है। विकास सिंह मुंडा जो वहाँ के विधायक है तमाड़ के, वो भी चुप है, ट्रस्ट में उनका भी नाम है। तो एक तरफ आप पैसा का लालच, पैसा का खेल, यानी 8 करोड़ रुपया के लिए आप आदिवासी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको डुबाने का काम कर रहे हैं, तो समाज कभी चुप नहीं रहेगा। किसका है 8 करोड़? 8 करोड़ रुपया मंदिर का सुंदरीकरण के लिए ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है, और वहाँ पर जो गरीब आदिवासी जो दुकान खोलकर अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, संस्कृति को भुलाया जा रहा है। बिल्कुल, उस पैसा के लालच में ही संस्कृति को भुलाया जा रहा है। तो इस बार विकास सिंह मुंडा और कालीचरण मुंडा भी भुला जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, आज भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोग राजभवन के समक्ष अर्थात बापू वाटिका समक्ष हम लोग
जमीन लूट और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहा है उसके लिए आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि आपने देखा होगा जमीन की लूट बढ़ी है, एक तरफ मंदिर का भी, देवड़ी मंदिर का भी जमीन को लूटा जा रहा है। दूसरी बात, आप देखते होंगे संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहे हैं, तो 23 वर्ष में ना पेशा कानून के समस्या का समाधान हुआ और न ही हमारा समता जजमेंट लागू हुआ, स्थानीय नियोजन नीति पर आपने समाधान नहीं किया, ट्राइबल सप्लान का पैसा को लाखों करोड़ों वापस चला जा रहा है, तो ये सभी मुद्दों को लेकर के आप ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं कर रहे हैं, बालू का घाट जो है माफिया लोग ले रहा है, तो सभी मुद्दों को लेकर के आदिवासी कहाँ जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं सरकार को कि आप क्या करना चाहते हैं, तो इसी मांग को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और आज यहीं तक बातें नहीं रहेगी, पूरे झारखंड में इस आंदोलन को आगे करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, धरना के बाद हम लोग कल देवड़ी मंदिर भी जाएंगे, देखेंगे कि कौन वहां पर परेशानियां हैं, जमीन को कौन लूट रहा है, क्यों गिरफ्तारी हो रही है, वहाँ के लोग के द्वारा गए थे मिलने के लिए CM के यहाँ, CM नहीं मिला, क्या वहाँ पर आप मारकाट करवाना चाहते हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं आंदोलनकारी को, आपको समाधान करना चाहिए। तो ये सभी धर्म संस्कृति और जमीन लूट और संवैधानिक अधिकार सभी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाला समय में राज्यव्यापी जो है जन आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे, आज हमारा सांकेतिक है। बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी वैसे मुद्दों को कर रही है कि देखिए सब आदिवासी की बात करता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रहा है लेकिन काम नहीं करती है, BJP भी बोल रही है काम नहीं करती है, कांग्रेस भी बोल रही है काम नहीं करती है, सभी जमीन लूट में, हाँ सभी लूट में लिप्त है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की बात करती है और हमारा जो राजकुमार रोथ है, जो हमारा नेता है, वो हमेशा देखते हैं कि सदन में जय जोहार का नारा लगाता है, 5वीं अनुसूची का बात करता है, पेशा कानून की बात करता है, धर्म कोड की बात करता है। यहाँ पर झारखंड में देख रहे हैं कि 23 वर्षों में पेशा कानून न समता जजमेंट न स्थानीय नीति कोई मुद्दे पर काम नहीं किया गया है, सिर्फ आदिवासियों को वोट पोलाइजेशन के लिए छला जाता है, इसकी जमीन छीनी जाती है, कभी इनका धर्म छीनी जाती है, धार्मिक स्थल छीनी जाती है, तो सभी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, आने वाला समय में एक व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और यहीं तक नहीं रही, जन जन तक ले जाने का इस मुद्दे को हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी चैनल को, क्योंकि आज देख रहे हैं आदिवासियों का शोषण, जल जंगल जमीन का जो लूट चरम सीमा पर है, आप जाइए कहीं पर ब्लॉक जाइए, कहीं थाना जाइए, कहीं पर जाइए, ये लूट बरकरार है। हम लोग यही सोचते थे कि हमारा सरकार आएगा, लेकिन इस सरकार ने भी कोई काम को सही से नहीं किया गया, और जिससे आज आदिवासी, अगर जमीन है तो आदिवासी है कहा जाता है और सदियों से ये बात है, लेकिन आज जमीन ही ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज कितने लोगों का, आदिवासियों का, जो अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, लोग अपना ज़मीन को कटवाने जाते हैं तो नहीं कटता है, तो यही सब मसला है, लूट है। देखिए धार्मिक सामाजिक ज़मीन को भी कितने लूटे जा रहे हैं, वो भी पूरा है, तो ये सब चीज़ अगर नहीं बचेगा तो अपना संस्कृति, अपना हमारा परंपरा जो है, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। इसलिए आज हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जो भी हम लोग का जो अभी लैंड बैंक जो पूर्व सरकार ने बनाया था उसको ख़त्म करे, जमीन का लूट ख़त्म हो, जो ब्लॉक में भ्रष्टाचारी चल रहा है, जो हमारा जमीन का आज तक जो 10-15 एकड़ जमीन जो है उसका भी आज ऑनलाइन नहीं हुआ, कई एक लोग इसमें पीड़ित है, लोग दर दर भटके खा रहे हैं, दर दर लोग घूम रहे हैं, ये दर्द कौन सुनेगा। इसलिए आज हम लोग धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं। कालीचरण मुंडा जी का और विकास मुंडा का जलाइएगा, क्यों पुतला जलाइएगा? देखिए ये आप देख रहे हैं कि बीच में देवड़ी मंदिर का मामला आप जान रहे हैं, दो समुदाय में अपनी लड़ाई चल रहा है, और दूसरा चीज़ है कि बिना उसको नोटिस किए, बिना उसको ई कर जांच किए जेल भेजना, तो आदिवासी खाली जेल के लिए है, हैं खाली आदिवासी, आदिवासी कोई नहीं जाता है जेल, आप लोग जो केस करते हैं जेल नहीं जाता, हम लोग कोई नहीं जाता है, उसको सल्टा दिया जाता है, लोग उल्टे जेल में डाल दिया, वो डाल दिया जा रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, ये लोग अपना आंदोलन कर रहा है भाई, बात रख रहा है,
अब उसको जेल में डाल रहा है, उसमें आपका माननीय वहाँ के लोग हैं जो सांसद है विधायक हैं, वो लोग भी अपना कोई बात नहीं रख रहे, तो समाज किसके पास जाएगा, समाज किसके दरवाजे पर जाएगा बताइए। हाँ, रोड में नहीं उतरेगा, अपना बात नहीं रखेगा, उतना भी अधिकार नहीं है क्या, उतना भी अधिकार नहीं है क्या, है ना अधिकार, तो अपना बात रखना सही गलत क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अपना बात रख रहे, किसी को मारने पीटने करने तो नहीं गए, वो तो क्रिमिनल नहीं थे, वो तो अब अपना बता रहे थे कि ये हमारा स्थान है, तो उस पर जांच होता, कितने यार वहाँ ट्रस्ट बना गया है, कह को पहान है, कह को वहाँ का मुंडा लोग है, इस पर जांच होना चाहिए। और आप लोगों से माध्यम से कहना चाहते हैं ऐसा नहीं होगा तो एक फिर से अब उलगुलान होगा, फिर से आंदोलन करेगी, आंदोलन करते आ रही है, आंदोलन तेज करेगी, आप कहीं नहीं गुंजाइश नहीं है, हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग सरकार के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, लेकिन वो भी आज तक हम नहीं देखे हैं, हमारा संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने भी अपनी बात रखा है। क्या ये ट्रस्ट के पैसे के लिए खेल चल रहा है क्या? ये खेल वहाँ के, अभी हम लोग पूर्ण रूप से वहाँ के लोगों से बैठ के हम लोग उसके बारे जांच करेंगे, हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। पुलिस देखिए अपना कर रही है, लेकिन हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी समझ लेंगे, हम लोग भी आपके चैनल से, प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ही जान रहे हैं, लेकिन जितने लोग जितना जान रहे हैं लगभग इस तरह, लेकिन गिरफ्तार करना कहीं उचित नहीं। तो देखिए किस तरीके से जो है भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया है, और एक पुतला दिखा दें आपको कि ये पुतला जो है सांसद जो खूंटी से जीते हैं कालीचरण मुंडा उनका पुतला, और विकास मुंडा जो तमार के विधायक हैं उनका जो है यह पुतला जलाया जाएगा, इसलिए क्योंकि इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, चूँकि उस देवड़ी जो विधान मंदिर है वह जो है तमार विधानसभा में पड़ता है, वहाँ के विधायक जो है विकास मुंडा है, और अब तक कोई संज्ञान जो है जिस तरीके से आदिवासी समाज के लिए नहीं लिए हैं उसको लेकर जो है यह आक्रोश देखा जा रहा है। तो ये तमाम भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जिसका कि चुनाव चिन्ह देखिए बाप भारत आदिवासी पार्टी नाम रखा गया है, और बैट हॉकी और बॉल का जो है यह चुनाव चिन्ह ने मिला है। और चुनाव से पहले आप जानते ही हैं कि हर पार्टियां जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए सड़क पर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। ताज़ा मामला देवरी का मंदिर को लेकर चल रहा है, जो मंदिर है या वहाँ सरना स्थल था यह कहीं ना कहीं एक सवाल को लेकर यहाँ पर पूछा जा रहा है।